हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका हिंदी साहित्य के इस क्लास में। और ये चैनल हमारा है मनोज आईएएस, और मनोज आईएएस चैनल को आप हमसे जुड़े रहने के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़े रहें। तो बात करते हैं हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर का भाग पहला। आज पहली बार हम इसमें क्लास ले रहे हैं। पहला भाग है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है इसका। आपको बता दें कि ये जो आपका टॉपिक है इससे हर साल प्रश्न आते हैं। अगर हर नए साल नहीं आए तो एक साल के गैपिंग करके जरूर इससे प्रश्न पूछता है, कुछ न कुछ करके पूछता जरूर है इससे। तो बात करते हम आरंभिक हिंदी के विकास में अपभ्रंश की भूमिका। ये आपका जो है प्रश्न है, आरंभिक हिंदी टॉपिक है आपका, आरंभिक हिंदी के विकास में अपभ्रंश की भूमिका। यद्यपि अपभ्रंश के विविध भाषिक रूपों से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है, तथापि इस विकास का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करना संभव नहीं है। इस संबंध में अभी तक जितने कार्य संपन्न हुए हैं उनमें अधिकांशतः अज्ञात से ज्ञात की प्रक्रिया अपनाई गई है। आज अपभ्रंश की जो सामग्री उपलब्ध है उसके आधार पर आधुनिक आर्य भाषाओं की विकास यात्रा की सारी कड़ियां अलग अलग सुस्पष्ट रूप से जोड़ पाना दुष्कर है। आपको बता दें कि प्रायः जो है अपभ्रंश से ही सभी भाषाओं का विकास हुआ है, लेकिन अपभ्रंश आज इतना अलग अन्य भाषाएं से निकल अलग अलग हो गई हैं, उनको अगर जोड़ा जाए तो जोड़ना क्या है, लगभग असंभव सा है। अपभ्रंश की साहित्यिक भाषिक रूप ही उपलब्ध है। अगर बात करें तो अपभ्रंश का इसकी कई वजह है, तो इसकी वजह जो है आप जान लीजिए कि इनको अलग सुस्पष्ट रूप से जोड़ पाना दुष्कर है। इसकी कई वजह हैं। तो पहला वजह क्या है आपको बता दें कि अपभ्रंश की साहित्यिक भाषिक रूप ही उपलब्ध है। अपभ्रंश भाषा के बोले जाने वाले विविध प्रादेशिक भाषिक रूप उपलब्ध नहीं है। अपभ्रंश के जो साहित्यिक भाषिक रूप प्राप्त हैं उनके प्रादेशिक भेदों परिवर्तनों का विवरण मिलता है। इस संबंध में विचारणीय यह है कि उपलब्ध प्रादेशिक भेद परिवर्तन क्या आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं यथा पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाल और असमिया, उड़िया, उड़ीसा की भांत भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। तो ये पढ़ा देखा जाता है, अथवा अथवा उस काल में संपर्क भाषा की भूमिका का निर्वाह करने वाली एक साहित्यिक अपभ्रंश के प्रादेशिक भेद परिवर्तन हैं। दूसरे शब्दों में उपलब्ध विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न जो है इसकी भाषाएं हैं जो परिवर्तित हैं, दूसरे शब्दों में उपलब्ध विभिन्न भाषाएं हैं अथवा किसी एक ही भाषा के प्रादेशिक भेद परिवर्तन। इस दृष्टि से जब हम उपलब्ध विविध अपभ्रंश रूपों पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि इनके नामकरण का आधार प्रादेशिक है।
अगर हम देखें अपभ्रंश के विभिन्न रूप जो है जैसे विभिन्न प्रांतों में मिलते हैं, तो आपको बता दें इनका नाम पढ़ने के बाद ये लगता है कि क्या है, प्रादेशिक हैं, और प्रादेशिकता पर इन पर विचार किया जाता है। किस पर? प्रादेशिकता पर इन पर विचार किया जाता है, प्रादेशिकता पर इन पर विचार किया जाता है। विद्वानों ने इन्हें विभिन्न भाषाएं माना है, गहराई से अध्ययन करने के बाद यह तथ्य हमारे सामने आता है कि इनमें केवल उच्चारण के धरातल पर थोड़े से ध्वन्यात्मक स्थानिक अंतर ही मुख्य है। इन अंतरों के संबंध में लेखकों ने अपने एक आलेख में विचार किया है। ये अंतर इतने भेदक नहीं है कि उन्हें अलग अलग भाषाओं का दर्जा प्रदान किया जा सके। हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला आदि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में केवल थोड़े से उच्चारणगत भेद ही नहीं हैं, अपितु इनमें भाषागत विभिन्नता है। इनमें पारस्परिक बोधगम्यता का अभाव है। पारस्परिक बोधगम्यता का क्या है? अभाव है। उदाहरणार्थ अगर देखा जाए, उदाहरण के लिए अगर देखा जाए इसमें, तो उदाहरणार्थ जो है मराठी भाषी वक्ता मराठी भाषा के द्वारा मराठी से अपरिचित हिंदी, बांग्ला, गुजराती आदि किसी आधुनिक भारतीय आर्य भाषी के व्यक्ति को भाषिक स्तर पर अपने विचारों एवं भावों का बोध नहीं करा पाता है। विभिन्न भाषी व्यक्ति अपने अपने अभिप्राय को संकेतों, मुख मुद्राओं, भाव भंगिमाओं के माध्यम से भले ही समझने में समर्थ हों, भाषा के माध्यम से उनमें पारस्परिक बोधगम्यता नहीं होती। आज हमें जो साहित्यिक अपभ्रंश रूप उपलब्ध है, उनका नामकरण भले ही सुदूरवर्ती क्षेत्रों के आधार पर हुआ हो, किंतु तत्वतः ये उस युग के जनजीवन में उन विविध क्षेत्रों में व्यवहारित होने वाली विभिन्न भाषाएं नहीं हैं। प्रत्युत एक ही मानक अथवा साहित्यिक अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूपों से ही रंजित रूप हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 10वीं 12वीं शताब्दी के बाद तो विभिन्न भाषाएं विकसित हो गई हों, किंतु उनके पूर्व भाषिक अंतर न रहे हों। सामान्य सिद्धांत यह है कि सामाजिक संपर्क जितना सघन होता है, भाषा विभेद उतना ही कम होता है। आधुनिक युग में तो विभिन्न कारणों से सामाजिक संप्रेषणीय के साधनों का अपभ्रंश युग की अपेक्षा कई गुना अधिक विकास हुआ है। नागरिक जीवन का फैलाव, महानगरों का बहुभाषी स्वरूप, पर्यटन विकास, शिक्षा का प्रसार, विभिन्न भाषी समुदायों के बीच वैवाहिक, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का विकास, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना और उनका बहुभाषिक परिवेश तथा संपूर्ण भारतवर्ष में एक केंद्रीय शासन आदि विविध कारणों के विकास एवं प्रसार के कारण आज विभिन्न भाषाओं के बोलने वालों के परस्पर जितना संपर्क हो रहा है, आज से 1000 साल पहले
वह संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त आधुनिक भारतीय आर्य भाषा भारतीय आर्य भाषा काल में तो अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्दों, ध्वनियों एवं व्याकरणिक रूपों ने सभी भाषाओं को प्रभावित किया। इतना होने पर भी आज भी विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं में पारस्परिक बोधगम्यता की स्थिति नहीं है। आज आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के क्षेत्र में जितनी विभिन्न भाषाओं एवं किसी भाषा के जितने भिन्न भिन्न भाषिक उपरूपों तथा बोलियों का प्रयोग होता है, अपभ्रंश युग में इनकी अपेक्षा बहुत अधिक संख्या में प्रयोग होता होगा। नाट्य शास्त्रकार के समय प्राकृतिक के काल में अपभ्रंश बोली थी। बाद में इस बोली रूप पर आधारित मानक अपभ्रंश का उत्तरोत्तर विकास हुआ, जिसका स्वरूप स्थिर हो गया। अपनी इस स्थिति के कारण इसका प्रयोग हिमालय से लेकर सिंधु तक होता था। इसका स्वरूप उकार बहुला था। प्राकृतियों के साहित्यिक युग के पश्चात उकार बहुला अपभ्रंश साहित्यिक रचना का माध्यम बनी। आपको बता दें, ये जो है उसका माध्यम बन जाती है बाद में। 8वीं-9वीं शताब्दी में अगर स्थित की बात करें अपभ्रंश भाषा की, तो वो क्या है आपको बता दें, 8वीं-9वीं शताब्दी तक राजशेखर के समय तक यह स्थित अपभ्रंश संपर्क भाषा के रूप में पंजाब से गुजरात तक व्यवहारित होती थी। आपको बता दें, राजशेखर के समय तक यही अपभ्रंश संपर्क भाषा के रूप में पंजाब से गुजरात तक बोली जाने लगी। 9वीं शताब्दी में यह रुद्रट ने स्वीकार किया कि अपभ्रंश के देश भेद से बहुत से भेद हैं। अपभ्रंश भाषा उपनगर आभीर एवं ग्राम्य भेदों को भूरि भेद कहकर, अर्थात भूमि की विभिन्नता के कारण एक ही भाषा के स्वाभाविक भेद बतलाकर रुद्रट ने एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर संकेत किया है। ईसा की 10वीं शताब्दी तक अपभ्रंश लोक भाषा न रहकर साहित्य भाषा में प्रयुक्त होने लगी। आपको बता दें, 10वीं शताब्दी तक आते-आते अपभ्रंश जो है लोक भाषा न होकर साहित्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होने लगे। रूढ़ भाषा बन चुकी थी और यह अब धीरे धीरे रूढ़ भाषा बनने लगी। वस्तुतः 11वीं शताब्दी से आधुनिक आर्य भाषाओं के प्राचीन भाषा रूपों में लिखित साहित्यिक ग्रंथ मिलने आरंभ हो जाते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि बोलचाल की भाषा के रूप में अपभ्रंश के विविध रूप 900 ईस्वी या अधिक से अधिक 1000 ईस्वी तक ही बोले जाते होंगे। अपभ्रंश के इन विविध रूपों से विविध आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जिस प्रकार विकास हुआ वह बोले जाते होंगे। अपभ्रंश के इन विविध रूपों में विविध आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जिस प्रकार विकास हुआ वह बोली जाने वाली सामग्री उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें, पहले आर्य भाषा किस तरह से बोली जाती थी, किस तरह से व्यवहारित होती थी, यह अभी तक उपलब्ध नहीं है।
इतना निश्चित है कि अपभ्रंश के देशगत भेद विविध क्षेत्रों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषिक स्वरूप स्रोतों अथवा उनसे भी अधिक आवश्यक रहे होंगे जिनसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विद्यमान भेद मिलते हैं। विष्णु धर्मोत्तर कार के अनुसार विष्णु धर्मोत्तर कार के अनुसार तो स्थान भेद के आधार पर अपभ्रंश के भेदों का अंत ही नहीं है। अपभ्रंश के विविध रूप बोले जाते थे इनमें इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु इनमें साहित्यिक उपलब्ध न होने इसमें साहित्य उपलब्ध न होने के कारण इनका स्वरूप अज्ञात है। अपभ्रंश साहित्यिक विकास अपभ्रंश साहित्य का विकास मालवा राजस्थान तथा गुजरात में हुआ। इन्हीं प्रदेशों के भाषिक रूपों से रंजित साहित्यिक अपभ्रंशों में साहित्यिक रचना हुई, जैसे मगधी अपभ्रंश की पूर्वी शाखा से बांग्ला उड़िया असमिया और मगधी अपभ्रंश की बिहारी शाखा से मैथिली मगधी भोजपुरी और अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी भाषाएं अर्थात अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ। वही सौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी भाषाएं अर्थात बुंदेली कन्नौजी ब्रजभाषा बांगरू हिंदी या उर्दू और नागर अपभ्रंश से राजस्थानी मालवी मेवाती जयपुरी मारवाड़ी तथा गुजराती और पाली से सिंघली और मादिवन का विकास हुआ। वही अपभ्रंश से सिंधी सौर पैसाची अपभ्रंश से कश्मीरी का विकास हुआ। कश्मीरी का जो है इससे विकास होता है। अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं क्या हैं? आपको बता दें, प्रश्न एक पूछता है अपभ्रंश का हिंदी साहित्य के विकास में योगदान, पहला पूछता क्वेश्चन, जितना अभी मैंने आपको पढ़ा दिया है। अभी इसको मैं एक ग्राफ के माध्यम से एक बार भाषा विज्ञान आपको बताएंगे, पहले आप इतना ध्यान दे लीजिए, फिर इसको बताएंगे क्या क्या है, फिर अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं, अपभ्रंश की व्याकरण की जो विशेषताएं उसको ध्यान देते हैं। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था का नाम है। अपभ्रंश का अर्थ होता है भ्रष्ट भाषा। अपभ्रंश का क्या अर्थ होता है? भ्रष्ट भाषा। अपभ्रंश का अर्थ होता है भ्रष्ट भाषा। अपभ्रंश का काल पांचवी सदी से ग्यारहवीं सदी के बीच माना जाता है। अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, अपभ्रंश में प्रयुक्त होने वाले स्वर इस प्रकार हैं। पहला, ह्रस्व स्वर कौन कौन से थे? आपको बता दें, ये आपको मैथ की तरह नंबर देता है। अगर आप हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर को विधिवत तैयार कर लें तो आपको जान लीजिए कि 250 में से 200 नंबर तक मिल सकते हैं। अगर 200 नंबर आपको पाना है तो आपको यहां से बढ़िया मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं प्राप्त होगा। इसमें ह्रस्व स्वर, ह्रस्व माने होता छोटा लघु, अ ई उ ए ओ दीर्घ स्वरों में आते हैं, आपके दीर्घ माने बड़ा, बड़ा स्वरों में आते हैं, आ बड़ी ई बड़ा उ ए और ओ, आए और ओ ये आते हैं, आए और ओ नहीं मिलते। आपको बता दें कि इसमें आए बराबर आए का प्रयोग हुआ है और ओ की जगह पर ओ प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये जो है इस तरह के शब्द इसके जगह पर प्रयोग में ये दोनों शब्द नहीं मिले हैं।
क्योंकि पाली में ही ए और औ हो गए, पाली में ही ए और ओ हो गए थे। इनमें री का प्रयोग, री का प्रयोग नहीं था, उसका उच्चारण सामान्य री हो गया। इस तरह से इसका उच्चारण होने, किस तरह से, इस तरह से होने लगा, इस री का प्रयोग नहीं हो रहा है इस काल में। अभ्रंश में स्वर लोप की प्रवृत्ति दिखाई देती है। आमतौर पर या तो आरंभिक स्वर लुप्त हो गए या अंतिम स्वर, या तो इसका पहला स्वर लुप्त होता था या अंतिम स्वर लुप्त होता था। उदाहरण के लिए रण, अरण्य, अरण्य को केवल रण लिखा गया, लाज, लज्जा। अभ्रंश में स्वर लोप की प्रवृत्ति दिखाई देती है। आमतौर पर या तो ये आरंभिक स्वर लुप्त हो गए या तो प्रथम, या तो आरंभिक या तो अंतिम, दोनों लुप्त हो रहे हैं। ये जो है कैसे लुप्त हो गए, उदाहरण के लिए मन का मनु, अंग का अंगु, ये जो है बाद में लुप्त होने लगे। संयुक्त व्यंजन समाप्त हो गए, संयुक्त व्यंजन क्या हो गए, समाप्त होने लगे। संयुक्त व्यंजन जैसे व्यंजन, व्यंजन जानते हैं, जैसे ज्ञा, ये विलुप्त हो गया, ये विलुप्त हो गया, ये विलुप्त हो गया, ये जो है विलुप्त होने लगे। उदाहरण के लिए धर्म, धम्म, कर्म, कम्म, आपको बता दें जैसे बौद्ध धर्म का आपने इतिहास पढ़ा होगा, धम्म शब्द आया, कम्म आया, कर्म के जगह कम्म और धम्म के, धर्म के जगह धम्म आने लगा। अपभ्रंश अपनी प्रवृत्ति में उकार बहुला भाषा के रूप में विकसित हुई। आपको बता, अपभ्रंश जो भाषा है ये उकार बहुला है। क्या है उकार बहुला, मतलब ऊ शब्द आता है, ऊ शब्द जिसमें लास्ट में आए उसे उकार बहुला कहते हैं, जिसमें ओ लास्ट में आए उसे ओकार बहुला कहते हैं। उकार बहुला में ऊ लास्ट में आएगा। मन का मनु, अंग का अंगु, ये उकार बहुला का उदाहरण है। क्या है उकार, ऊ जो है जिसमें आ जाए वह उकार बहुला है। कहीं कहीं स्वरों में अनुनांशिक रूप आने लगा। उदाहरण के लिए चल, चलिए, चलहि, चलहि का चलिह शब्द के मध्य में आने वाले महाप्राण व्यंजन जैसे ख, घ, थ, ध, भ आदि ह में रूपांतरित होने लगे। आपको बता दे ख, ख, घ, थ, ह और भ जो है धीरे धीरे रूपांतरित होने लगे। किसमें रूपांतरित हो गए, किसमें, ह में रूपांतरित। उदाहरण के लिए अब रूपांतरित कैसे हुआ, जैसे रुधिर, क्या हो, रुहिर, रुहिर माने खून बना दिया। जैसे अब यहां पर ध जो है, ध का ह हो गया, ध का ह हो गया, और धी का, ध का यहां पर भी ह हुआ, जैसे दधी, दही। अपभ्रंश में एक संज्ञा में केवल छह विभक्तियां लगती हैं। वियोगीकरण की प्रक्रिया में पहली बार स्वतंत्र विकास शुरू हुआ, इनका जो है स्वतंत्र विकास शुरू होता है वियोगीकरण की प्रक्रिया में। इस काल में विकसित हुए प्रमुख परसर्ग हैं कर्ता, कर्ता का सामान्य जो है, कर्ता का सामान्य कर्ता ने होता है, लेकिन उसकी जगह पर कर्ता इस ऐसे लिखा रहता, शून्य की तरह लिखा होता था। कर्म इसमें पाई दे दी जाती, कर्म में केवल शून्य लिख दिया, कर्म का भी होगा, कर्म कर्ता ने कर्म को होता है, को की जगह पर केवल यह लिखा जाता था, जबकि इसके जगह पर यह लिखा जाता था। करण, तण, सहु, सहु, संप्रदान, ते ही, के ही, रसी, अपादान, होत, पास, संबंध, के रे, अ, का, कर, केर, केरी, अधिकरण, मह, मझ, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। इस काल में विकसित हुए प्रमुख सर्वनाम तुम्हें,
है जो वर्तमान हिंदी में प्रयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त महार, तुहार आदि भी विकसित हुए। ये जो है शब्द, जैसे सर्वनाम तुम्हें की जगह पर तुहार, महार जैसे शब्द प्रयोग होने लगे। जैसे देखिए हरियाणा का आदमी, जैसे ये आप देखिए, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश मीन्स गाजीपुर बलिया के, तो तुहार मतलब तुम्हारा सामान। महार जैसे हरियाणा में देखिए, महार महार हरियाणा, महार राजस्थान, इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाने लगे। इस तरह से जो है शब्द धीरे धीरे विकसित हुए। इस समय संख्यावाचक विशेषणों का विकास हुआ। संख्यावाचक विशेषणों का विकास हुआ। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जिनमें संख्या का, गिनती का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक, दुई, तीन आदि। जैसे राजस्थान में तीन आदि भी बोले जाते हैं, दुई, एक। सर्वनामिक विशेषण जैसे ऐस, जैस भी दिखाई देते हैं। ये सर्वनामिक विशेषण अपभ्रंश के होते थे, जिसको जो है ऐस, जैस भी कहा जाता था। क्या कहा जाता? ऐस, जैस भी कहा जाता था। अपभ्रंश काल में क्रिया में कुछ नए धातु विकसित हुए, जैसे उठ, बुल, उठ, बुल आदि। अपभ्रंश में वर्तमान काल की संस्कृत परंपरा की तरह भूतकाल हिंदी की तरह क्रिदंतों के आधार पर तथा भविष्यत काल संस्कृत की परंपरा कृदंतों के आधार पर प्रयोग होते थे। ये जो है इसकी विशेषता थी। इसकी अगली विशेषता है, इस काल में केवल दो वचन प्रचलन में थे, एक वचन, दो बहुवचन। आज भी ये प्रचलन में आ गए। फिर अपभ्रंश काल में केवल दो लिंग प्रचलन में था, यद्यपि नपुंसक लिंग नागर अपभ्रंश में से भी था। आप बता दें, अभी भी है, आपको अभी भी चल रहा है। इस प्रकरण प्रकार व्याकरणों के स्तर पर अपभ्रंश ने हिंदी के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपको बता दें, अपभ्रंश व्याकरण के स्तर पर, आपको बता दें, अपभ्रंश ने हिंदी के विकास में अत्यंत भूमिका अदा किया। ये क्वेश्चन आए हैं। आपको बता दें, एक क्वेश्चन ये बनेगा कि व्याकरण के स्तर पर अपभ्रंश का हिंदी में योगदान, ये बनेगा एक क्वेश्चन। दूसरा बनेगा, साहित्यिक भाषा के रूप में अपभ्रंश का योगदान, व्याकरणिक भाषा के या अपभ्रंश की विशेषता पूछ लेगा। इस तरह से कई क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि थोड़ा सा ये कठिन होता है। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। हमारे जो ऐप है मनोज आईएएस का जो ऐप है, इस तरह से लोगों का सबसे बड़ी बात ध्यान देना है, मनोज आईएएस का जो आप हमारा पोर्टल अपलोड करेंगे, उस पोर्टल पर इस तरह का लोगो होना चाहिए। इस तरह का जो लोगो होगा, ये मनोज आईएएस का असली लोगो है। ठीक है, ध्यान दे लीजिए। और नहीं तो क्या होता है कि हम उसके चक्कर में जो है, कभी कभी क्या होता है कि उसके चक्कर में दूसरा हम उकर लेते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि जो मनोज आईएएस का ऐप आप डाउनलोड करेंगे या यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, उसमें ये लोगो होने चाहिए। क्योंकि मनोज आईएएस के नाम पर और भी चैनल बने हुए हैं, और भी कोचिंगे हैं। आप अपने वास्तविक गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए इस तरह के हमारे चैनल को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। क्योंकि ये व्याकरण फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर जो हिंदी के, प्रारंभिक हिंदी का जो स्वरूप है वो बहुत ही कठिन है, और कठिन होने के कारण इसको समझना बड़ा कठिन होता है। तो इससे हम कई तरह के वीडियो पर, मतलब क्लासों पर अध्ययन करेंगे, जिससे हम इस बात को आसानी से समझ सकते। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें, मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल पर
हिंदी के व्याकरणिक और फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों की पूरी क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब पर उपलब्ध होगी। आप इसको पढ़ करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट द्वारा आपको जो क्लास छूट जाती है या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो आप इससे जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। हमसे जुड़े रहने के लिए आप मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमसे बने रहें। जय हिंद।